कम्युनिटी हर एक यूनिवर्सिटी से मिलके आगे चलना होगा। हमको इस चीज को बोलना पड़ेगा कि ऑटोनॉमी कुछ नहीं है बल्कि एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। हम छात्र क्या बेवकूफ है? हम समझते हैं कि हम कितने सालों से यूनिवर्सिटी के अंदर एक अकेडमिक ऑटोनॉमी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के टीचर खुद का करिकुलम डिजाइन कर सके, प्रोग्रेसिव करिकुलम डिजाइन कर सके, लेकिन उसमें निरंतर मोदी सरकार का इंटरफेरेंस हो रहा है। हर एक स्कूल में एक छात्र किताब में क्या पढ़ेगा, उसमें नेहरू का हिस्ट्री होगा, गांधी का हिस्ट्री होगा या नहीं होगा, से लेके JNU के अंदर इस्लामिक टेररिज्म का कोर्स पढ़ाया जाएगा। अकेडमिक ऑटोनॉमी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, लेकिन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हम लोगों को दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि आपको फंड नहीं मिलेगा, फंड का अपेक्षा करना आप लोग बंद कर दीजिए। 70-30 कभी लाकर कभी ही पर जगह सस्ता बना के हमको बोला जा रहा है फंडिंग नहीं मिलेगा, अब लोन मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी कैनरा बैंक के साथ टाई अप करेगा और कॉलेजेस को लोन देगा जैसे भीख में दे रहा है। इसीलिए हम लोगों को इस सारे प्रयासों के खिलाफ बोलना पड़ेगा। हम आपको, हम सारे टीचर समुदाय को ये बोलना चाहते हैं, ये आश्वासन देना चाहते हैं कि जब कैंपस खुलेगा तब हम लोग फर्स्ट डे वहां पर खड़े होंगे। स्टूडेंट्स को ये पूरा ऑटोनॉमी क्या है, ये क्या जुमला है जिसको गोल गोल पढ़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम उनको बताएंगे। ओपन डे हो या कट ऑफ का टाइम हो, उसमें भी हर एक छात्र वहां पर जाएगा और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आएंगे उनको ये सारी जो स्कीम्स है उसके बारे में बताया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। ये जो शिक्षक और छात्रों की यूनिटी है इसको बरकरार रखना है, क्योंकि यही यूनिटी बाकी सारे यूनिटीज के साथ सड़कों पे उतर के 2019 के अंदर इस सरकार को यहाँ से दूर भगाएगी। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद।